नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अभी तक हम लोग 23 यानी कि 23 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये 24 भाई आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में सुषिरवाद संदर्भित है। भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में सुषिरवाद संदर्भित है, तो याद रखना वायु यंत्र से, किससे? वायु यंत्र से। ईसा से 200 वर्ष पूर्व से, 200 वर्ष ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यों को उनके ध्वनि उत्पन्न करने के आधार पर चार प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया था। कौन कौन सी थी? तांतवाद अथवा तारवाद, दूसरा था सुषिरवाद अथवा वायुवाद, तीसरा था औनद्यवाद, चौथा था घनवाद। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्या है, मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह राजा राजपरिवार के सदस्यों और दरबार में मौजूद कुलीन लोगों द्वारा बोली जाती थी। सही है, जहांगीर ने सतर्कतापूर्ण तरीके से फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बना दिया था। एक गलत है आपका। स्थानीय मुहावरों और नई भाषा के इसमें शामिल होने के बाद इसका भारतीकरण हो गया और फारसी तथा हिंदी भी के मिलन से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। ये आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3 सही होगा। फारसी भाषा को मुगल दरबार की मुख्य भाषा अकबर ने बनाया था। ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क के साथ ईरान से आने वाले वाले प्रवासियों द्वारा निरंतर मुगल दरबार में आते रहने के परिणाम स्वरूप संभवतः बादशाह इसे दरबार की मुख्य भाषा बनाने के लिए प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही था। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। ठीक है, तो ये नित्य सब हैं और ये संबंधित राज्य हैं। मोहिनीअट्टम ये आपका आपका तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। कथक उत्तर प्रदेश से है, सतरिया असम से संबंधित है। तो इसमें केवल एक कथन आपका होगा, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा ना, तो इसमें केवल एक सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही हैं। याद रखें 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, फिर से सुन लीजिए, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कथकली आपका केरल, कथकली केरल, कथक आपका उत्तरी और पश्चिमी भारत के विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सतरिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हमारा 4, क्या है क्वेश्चन? असम के सत्या नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हाल ही में से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। सही है, इसे वैष्णव मत के प्रचार के एक प्रमुख माध्यम के रूप में पेश किया गया था। ये भी सही है, इस नृत्य के विकास पर असम के लोक नृत्यों का खासा प्रभाव पड़ा। ये भी आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन 4 में आपके तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 5, भारत में रंगमंच के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, रंगमंच स्वरूप और संबंधित ये राज्य, तो इसमें आपका भांडपथिर, ये आपका भांडपथिर सही सम्मिलित करना है।
तो ये आपका भांड पत्थर है, कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से? कश्मीर से। तो एक आपका कहाँ जाएगा? तीन में। ठीक, तीन, एक तीन। भवाई, भवाई कहाँ है आपका? गुजरात का है। दो एक। माच आपका कहाँ से संबंधित है? माच है आपका मध्य प्रदेश। तीन चार। और भोना आपका कहाँ से संबंधित है? भोना है आपका असम से। यानी कि चार दो। तो इसमें एक तीन दो एक, यानी कि आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, रंगमंच आपका जो भांड पत्थर है ये आपका कश्मीर से संबंधित है, भवाई है जो ये आपका गुजरात से संबंधित है, माच आपका मध्य प्रदेश से संबंधित, भोना आपका असम से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है छठवा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कला कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? संबंधित नहीं है। बांधनी कला ये संबंधित है, बाटिक कला, फिलिग्री कला ये आपका संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन होगा। जामदानी कला ये संबंधित है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? जामदानी कला है और बाटिक कला है, बांधनी कला है, लेकिन फिलिग्री कला चांदी के आभूषण बनाने की तकनीक से संबंधित कला है जिसमें चांदी का महीन काम किया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी आपकी जैसे बंधानी कला, बाटिक कला, जामदानी कला आदि सभी कपड़ों के हस्तशिल्प से संबंधित हैं। ठीक, क्वेश्चन है सात, क्या है? अष्ट दिग्गज निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित थे? तो ये थे आपके तेलुगु से। किससे? तेलुगु से। अष्ट दिग्गज के रूप में विख्यात आठ महान साहित्यकार थे। ठीक है, उन्हें ही हम लोग अष्ट दिग्गज कहा जाता है। क्वेश्चन है आठ, पंपा, पौन्ना और रान्ना नामक त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित थे? तो ये थे आपके कन्नड़। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका नौ, क्या है? श्री राग निम्नलिखित में से किस समय एवं ऋतु में गाया जाता है? सायकाल एवं शीतकाल में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दस, क्या है? ठुमरी संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसकी रचना प्रेम एवं भक्ति रस का भाव होता है, इसकी रचना में सही है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, ये सही है। यह आगरा घराना मुख्य रूप से ठुमरी संगीत से जुड़ा हुआ है, ये आपका गलत है। क्या है? याद रखने, ठुमरी के मुख्य घराने आपके बनारस और लखनऊ हैं, ना कि आपका आगरा। क्या क्या है? बनारस और लखनऊ घराना। तो इसमें आपका एक और दो सही था। क्वेश्चन है आपका ग्यारह, क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, सही सुमेलित देखना है। एक लोक संगीत हो गए, ये स्थान हो गए उसके। वनावन कश्मीर से संबंधित है, पड़ीहारी राजस्थान से संबंधित है, लावड़ी गुजरात से संबंधित नहीं है। क्या है? लावड़ी आपकी महाराष्ट्र के लोकगीतों से संबंधित है। ठीक है, कहाँ? लावड़ी आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन था, एक और दो। क्वेश्चन है बारह, क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। लोक नृत्य संबंधित हैं और ये स्थान है। तरंग मेल आपका गोवा से संबंधित है, रासलीला हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, काल बिलिया बेलिया बिलिया राजस्थान से संबंधित है, बीहू आपकी महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका एक सही है और तीन सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन है? तो दो गलत है आपका और चार गलत है। क्या है?
दो और चार आपका गलत है। बी ऑप्शन होगा यानी कि, ठीक है। क्या है? तरंग मेल आपका गोवा का एक लोक नृत्य, रासलीला या उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य। रासलीला आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और काल बेलिया बेलिया ये राजस्थान से संबंधित है, और बिहू है ये आपका असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक, ना कि महाराष्ट्र का। क्वेश्चन है हमारा 13। क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा सही है? पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, ये गलत है आपका। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, ये आपका सही है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या होगा? दो और तीन सही है। क्या है? दो और तीन सही है। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य, ना कि आपके रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 14। क्या है क्वेश्चन है 14? कूडियाट्टम नाट्यकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह केरल की चक्यार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटक है, सही है। यह केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह आपका गलत है। यूनेस्को ने कूडियाट्टम को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की कृति के रूप में मान्यता दी है, ये आपका सही है। इसमें दो आपका कथन गलत है, क्योंकि जो कूडियाट्टम है एक केरल की एक प्रमुख परंपरा है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों कलाकारों की भूमिका रहती है, ना कि महिलाओं की। केवल इसमें पुरुष और महिला दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपका होगा सी ऑप्शन, एक और तीन कथन सही हुआ। क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्या बोल रहा है? नहीं है। उड़िया को है, पाली को नहीं है, संस्कृत को है, कन्नड़ को है। तो इसमें क्या होगा आपका? बी पाली, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 16। क्या है? यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह आंध्र प्रदेश की नाट्य विद्या है, ये आपका गलत है। यह हिंदू महाकाव्यों और किंवदंतियों पर आधारित है, ये आपका सही है। यक्षगान थिएटर को भगवतार अत्तर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो इसमें केवल आपका एक सही नहीं है। यक्षगान आपका कर्नाटक का एक समृद्ध लोक नृत्य नाटक है, कहाँ का है? कर्नाटक का, ना कि आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन है 17। क्या है? किस संस्था ने नवीकरणीय ऊर्जा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जारी की, कौन करता है? नवीकरणीय ऊर्जा ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फॉर 21वीं सेंचुरी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18। क्या है? हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका उद्देश्य हाथियों की आबादी की निगरानी करने, अवैध हत्या के स्तर में बदलाव का पता लगाने की क्षमता को बेहतर बनाने हेतु राज्यों की मदद करना है, सही है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, ये आपका गलत है। क्या है? पहला आपका कथन सही है। माइक कार्यक्रम पूरी तरह से दानकर्ताओं के सहयोग पर निर्भर करती है, याद रखिए। यूरोपीय संघ माइक कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दाता है,
जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं चीन की सरकारें और यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस द्वारा भी वित्त प्रदान किया जाता है इसे। 18 में आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 19, क्या है? विश्व चुंबकीय मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह पृथ्वी के कोर और बड़े पैमाने पर क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र का एक मानक मॉडल है। ये सही है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित मॉडल है। ये आपका गलत है। इसमें केवल आपका एक ऑप्शन सही है। ये मॉडल आपका BGS द्वारा, यूएस नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल डेटा के साथ यूके और यूएस नेशनल जियो स्पेशियल सियल इंटेलिजेंस एजेंसी में डिफरेंस जियोग्राफिक सेंटर से फंडिंग के साथ तैयार किए गए थे। ठीक। क्वेश्चन है आपका 20, क्या है? 20, हिंद महासागरीय हम्पबैक डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है विचार? इसका निवास हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी तक सीमित है। ये आपका गलत है। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका सही है। इसमें आपका केवल 2 सही है। क्या है? हिंद महासागरीय हम्पबैक डॉल्फिन हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका से भारत तक पाई जाती है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत तक। ठीक। इसमें केवल आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 21, क्या है? निम्नलिखित में से किस झील में वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाता है? यह है आपकी पुलिकट झील। ठीक है। उड़ीसा की चिल्का झील के पास यह झील देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 22, क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन के प्रशासन और शासन का प्रबंधन करता है। ये भी सही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन पर कन्वेंशन को मंजूरी नहीं दी है। ये आपका गलत है। 1 और 2 सही है और बाकी तीसरा गलत है। भारत ने 1 मार्च 1947 को इस सम्मेलन को मंजूरी दी थी। भारत ने 1 मार्च 1947 को नागरिक विमानन पर कन्वेंशन को मंजूरी दी थी। ठीक है। 22 में आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 23, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह एक सलाहकारी निकाय है। सही है। इसे रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर आधार स्थापित किया गया था। यह भी सही है। यानी कि 23 में आपके दोनों कथन सही है। यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24, क्या है? गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत में यह केवल पश्चिमी असम के छोटे से हिस्से में पाया जाता है। सही है। IUCN की लाल सूची में से लुप्त प्राय के रूप में शामिल किया गया है। ये भी आपका सही है। यानी कि 24 में आपका सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। सी ऑप्शन सही है। तो चलिए, ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी लगाते रहेंगे। ठीक है।